किसी कुत्ते को मारना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यार माधवन ने कहा है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट नाम की फिल्म में। इस फिल्म के बारे में हर कोई बात कर रहा है, इस डायलॉग के बारे में हर कोई बात कर रहा है, और हर कोई बात कर रहा है उनके बारे में जिन पर यह फिल्म बनी है, यानी कि भारत के वैज्ञानिक नंबी नारायणन साहब। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नंबी नारायणन वो नाम है जिनके बारे में अभी कुछ दिनों पहले तक कम लोग जानते थे, लेकिन अब लोग जानना शुरू कर चुके हैं। ये वो इंसान है जिनकी कहानी हमें सिखाती है गिरना, उसके बाद उठना, और उसके बाद डबल एनर्जी के साथ में बाउंस बैक करना। ये वो इंसान है जो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए आपको सत्य के रास्ते पर चलते रहना है। ये वो इंसान है जो हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति होती क्या है। नंबी नारायणन साहब जिनका जन्म हुआ केरला के नागारो कोइल में। नंबी नारायणन साहब की कहानी शुरू करने से पहले उस जमाने की बात आपको बताता हूं जिस जमाने की ये कहानी है। ये वो दौर था जब भारत स्पेस के क्षेत्र में काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन हम डिपेंडेंट थे अमेरिका पर, रशिया पर। हम क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको इंजन चाहिए आप खरीद लीजिए, टेक्नोलॉजी हम शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद रशिया के साथ समझौता करने की बात चल रही थी, लेकिन रशिया भी आखिरी वक्त में मुकर सा गया। इस सब के बीच में नंबी नारायणन साहब ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया और कहा कि मैं क्रायोजेनिक इंजन आपके लिए तैयार कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। लेकिन इसी सब के बीच में नंबी नारायणन साहब के साथ में रची गई एक बहुत गहरी साजिश, आइए उसके बारे में बात करते हैं। साल था 1994, महीना था अक्टूबर का। मालदीव्स की रहने वाली मरियम राशिदा को केरला पुलिस तिरुवनंतपुरम से अरेस्ट करती है। गिरफ्तार किया जाता है इस आरोप में कि इसरो का जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और बाकी देशों में मरियम राशिदा बेच रही है। जब ये आरोप लगता है तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी जिसे पता है शायद वही इसमें मदद कर रहा है। केरला पुलिस पहुंच जाती है इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नंबी नारायणन साहब के पास। उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। नंबी नारायणन को कुछ अता पता नहीं होता कि किस आरोप में क्यों उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, और ना सिर्फ उनको बल्कि जो उनके बाकी दो साथी थे साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर, उन्हें भी केरला पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। इनके अलावा रशियन स्पेस एजेंसी के एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एसके शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की एक फ्रेंड फौजिया हसन को भी अरेस्ट किया जाता है। इन सभी लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसरो का जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जो रॉकेट इंजन है, उससे जुड़ी जानकारी, जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, सीक्रेट डिटेल्स है, उन्हें पाकिस्तान और बाकी देशों को बेचा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के, नंबी नारायणन साहब, वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और अभी तो इस पर मैं काम कर रहा हूं, अभी तो टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है, आप कैसे मुझ पर ये आरोप लगा सकते हैं। नंबी नारायणन साहब चीख चीख कर कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने उनके साथ में मारपीट की, अमानवीय कृत्य किया, 20 दिनों तक जो जुडिशियल कस्टडी थी उसमें उनके साथ में बुरा बर्ताव किया गया। हर तरीके से उनसे ये कहलवाने की कोशिश की गई, कहिए कि आपने देश के खिलाफ साजिश की है। और ये बात जब आई मीडिया में तो मीडिया ट्रायल में नंबी नारायणन को, उनके साथियों को देशद्रोही करार दे दिया गया। नंबी नारायणन जो कि देश के लिए काफी कुछ करना चाहते थे, उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया। ये सब कुछ तब हो रहा था जब केरला पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये जांच सीबीआई को सौंपी गई, सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि नंबी नारायणन ने कोई भी देश के खिलाफ साजिश नहीं की है, उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या किसी और देश को नहीं बेची है। यहां तक कि इसरो की जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसमें भी यह दावा किया गया, उसमें भी यह पता लगाया गया कि जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है उसकी कोई भी ड्रॉइंग गायब नहीं हुई है। लेकिन ये सब होते होते देर हो चुकी थी, नंबी नारायणन साहब को मीडिया गद्दार घोषित कर चुका था। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा रहा कि सीबीआई के पास मामला गया, उन्होंने इन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन ये कानूनी लड़ाई नंबी नारायणन साहब ने अपने सम्मान की लड़ाई को 24 साल तक लड़ा है। 1994 दिसंबर में मामले की जांच सीबीआई के पास आ चुकी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाया था। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल की थी, उसमें बताया था कि पूरा मामला फर्जी है और जो आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और इस केस में जितने आरोपी गिरफ्तार थे उन सभी को रिहा कर दिया था, लेकिन अभी भी सम्मान की लड़ाई लड़ना बाकी थी। 1998 का साल था तब केरल की सरकार ने मई के महीने में दोबारा इस मामले में जांच के आदेश दे दिए
1999 में मानवाधिकार आयोग ने कहा कि भैया इनकी इज्जत को उछाला गया है, इन्हें देशद्रोही करार दिया गया है, जबकि ये देशभक्त हैं, इनके सम्मान को लौटाइए, इनको कॉम्पनसेशन दीजिए। लेकिन एक बार फिर से उस मानवाधिकार आयोग के फैसले के खिलाफ केरल की जो सरकार थी वो पहुंच गई कोर्ट में। ये कोर्ट की लड़ाई चलती रही। 2017 में नंबी नारायणन साहब की जो पिटीशन थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं उनको हटाया जाए और इनके सम्मान को दोबारा बहाल किया जाए। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही। तो कुल मिलाकर के 24 साल की लड़ाई में जाकर के फिर से नंबी नारायणन साहब ने अपना सम्मान वापस पाया। और ये कहा जाता है कि अगर नंबी नारायणन साहब के खिलाफ ये साजिश नहीं रची गई होती, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो सारी साजिश रची गई, अगर ये नहीं हुआ होता तो आज इसरो 20 साल आगे होता। देश के लिए कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग के जरिए विकास में योगदान देने वाले, अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगाने वाले देशभक्त नंबी साहब को देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। उनके खिलाफ ये साजिश रची गई थी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कई सारी मुश्किलें आएंगी, लोग आपके खिलाफ होंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप गिरेंगे भी सही, लेकिन फिर से उठना है, बाउंस बैक करना है डबल एनर्जी के साथ। आपको अपना सम्मान, आपका हक जरूर मिलेगा। अगर आप नंबी नारायणन साहब के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं डिटेल में, तो एक फिल्म आई है रॉकेट्री, द नंबी इफेक्ट, उसे आप देख सकते हैं। आप एक बुक पढ़ सकते हैं जो खुद नंबी नारायणन साहब ने अपनी जिंदगी के ऊपर लिखी है, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस, इस नाम से एक बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। नंबी नारायणन साहब को आज हम सलाम और प्रणाम करते हैं। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 एक मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।